रहीम दास जी ने दोहों के माध्यम से संसार को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो बड़े बड़े शास्त्रों का सार है। हजार पुस्तकें पढ़ने के बाद जो सार निकल सकता है वो रहीम जी ने अपने एक छोटे से दोहे में प्रस्तुत कर दिया है। रहीम, कबीर, तुलसी, फरीद, दादू, इन सभी संतों ने ऐसे ही महिमामान दोहों की रचना की है। अब एक दोहे में रहीम दास जी क्या कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिहई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची है सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, पेड़ अपने फल नहीं खाता, सरोवर पिहई न पान, और तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता। कही रहीम, रहीम दास जी कहते हैं, कही रहीम पर काज हित, पर काज दूसरों के कार्य में काम आने के लिए, पर काज दूसरों के कामों में, दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, संपत्ति संची है सुजान। सुजान माने अच्छे लोग, अच्छे मनुष्यों के पास, श्रेष्ठ मनुष्यों के पास यदि धन संपत्ति इकट्ठी है तो वो परोपकार में काम आएगी, संसार के कल्याण के लिए काम आएगी। इसलिए रहीम दास जी ये बार बार बल देते हैं कि अच्छे आदमियों को धनवान होना चाहिए। जितना अच्छा आदमी धनी होगा उतने ज़्यादा वो संसार के कल्याणकारी कार्य कर सकेगा। अब मानकर चलिए एक दुष्ट व्यक्ति धनी है, बहुत पैसा है उसके पास, और प्रवृत्ति उसकी दुष्टता की है, बुरे विचारों वाला है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा उस धन का, समाज को, देश को, इन सबको नुकसान पहुंचाएगा। उसका सारा प्रयास इसमें होगा कि किस तरह से बुरे कार्यों को सिद्ध किया जाए। उसका मन बुरे कामों में लगेगा क्योंकि धन है तो किसी से डरेगा नहीं, उसको एक विश्वास होगा कि मेरा पैसा मुझे बचा लेगा। तो दुष्ट व्यक्ति के पास यदि संपत्ति होगी तो वो उस संपत्ति से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सज्जन उसी प्रकार से हैं जैसे तरुवर फल नहीं खाते हैं। पेड़ के पास कितने फल होते हैं लेकिन पेड़ कभी बेचने थोड़ी ना जाता है, ना अपने फल स्वयं खाता है, और तालाब के पास कितना पानी होता है, सरोवर पिया ही न पान, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। इन सब के पास वो सारी संपदाएं इकट्ठी हैं, खूब प्रचुर मात्रा में रखी हैं, लेकिन ये अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, संसार की भलाई के लिए। तो सज्जन जो व्यक्ति हैं, रहीम दास जी उनको ये संदेश दे रहे हैं कि उन सज्जन व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए कि वे अधिक से अधिक धनवान बने। जितना अधिक धन सज्जन व्यक्ति के पास होगा उतना अधिक संसार का कल्याण हो सकता है। अब धन के संबंध में ही दूसरी बात, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जो कसे, सो ही साँचो मीत। सच्चे मित्र की पहचान बताई है। सच्चा मित्र बहुत मुश्किल से पहचाना जाता है, कैसे ढूंढेंगे आज सच्चा मित्र कौन सा है। बच्चे ऐसे होते हैं, 10-10, 15-15 मित्र हैं, 20-20 मित्र हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरे गिनती नहीं कर सकते आप इतने मित्र हैं, और मित्रों से ही घिरे रहते हैं, लेकिन क्या वे मित्र हैं, इसको कौन पहचानेगा, इसकी पहचान कैसे हो कि वो साँचो मीत, मीत माने मित्र, सच्चा मित्र कौन है। तो क्या उदाहरण कहते हैं, कहे रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति सगे, संपत्ति आने पर, पैसा आने पर सब आपके सगे बन जाते हैं, आपके पास आना चाहते हैं अगर आपके पास बहुत पैसा है। और कैसे आना चाहते हैं, बनत बहुत बहुरीत, बहुरीत बहुत सारे तरीकों से आपके मित्र बनना चाहते हैं, आकर रिश्तेदार आ जाएंगे। कोई कहेगा मैं आपके बुआ के, मामा के, चाचे का लड़का, आपका रिश्तेदार लगता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्तेदारी लोग ढूंढ कर लाएंगे और आपके मित्र बनना चाहेंगे। बनत बहुत बहुरीत, बहुत सारी रीतियों से, बहुत सारे तरीकों से आपके करीब आना चाहेंगे। क्यों, कहे रहीम संपत्ति सगे, क्योंकि आपके पास पैसा है,
इसलिए सब आपके सगे हो जाएंगे। अब बच्चे को देखो, कुछ बच्चे जब कहते हैं कि उस बच्चे के पास 10-12 दोस्त हैं, क्योंकि वो सबको खिलाता पिलाता रहता है, वो उसके दोस्त नहीं है, उसके पैसों के दोस्त हैं। एक धनी व्यक्ति के पास चारों तरफ भीड़ लगी रहती है व्यक्तियों की, सब उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं, क्यों? वो धनी है। बनत बहुत बहु रीत, बहुत बहुत रीतियों से उसके मित्र बनना चाहते हैं कि शायद उससे थोड़ा धन मिल जाए। स्वभाव है ये संसार का। पर विपत्ति कसौटी जो कसे, कसौटी है, मापदंड है, एक स्केल है, मेजरमेंट है, क्या विपत्ति मुसीबत आने पर जो आपका साथ दे, आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, उस समय जो आपका साथ दे रहा है, जो आपका सहयोग कर रहा है, वो सच्चा मित्र है। सुख में तो सभी साथ होते हैं। एक बहुत अच्छे गीत में कहा गया है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो दुख में जो साथ दे, संकट में जो साथ दे, वही सच्चा मित्र है। तो मित्रों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में अगर अनावश्यक मित्र होंगे, आपके जीवन में यदि ऐसे मित्र हुए कि जो केवल आपकी धन संपत्ति के कारण आपके मित्र हैं, तो उस मित्रता का कोई लाभ नहीं, वो मित्रता अंततः आपको दुख ही देगी। रहीम दास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में इस बात को समझाया है।